लास्ट ईयर जब हमने अगस्त में स्टार्ट किया था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के बीच ये कहा था कि हम इस मेफेयर पूर्णिया को एक वेडिंग डेस्टिनेशन की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बिहार में अगर कहीं भी कोई भी शादी हो तो मेफेयर पूर्णिया ही सबसे पहली चीज़ हो जो उनके दिमाग में आए। सो ये हमने इस एक साल में प्रूफ किया है। हमने ऑलरेडी नेपाल से, कोलकाता से, आसपास के बहुत, इवन अभी सिलीगुड़ी से हमने एक वेडिंग प्लान किया है, मतलब हमारी एक वेडिंग होने वाली है। सो जो हमने सपना देखा था जब हमने इसको स्टार्ट किया था वो ऑलमोस्ट हम लोग उसके मतलब ऑलमोस्ट पास में ही है, क्योंकि हमने काफ़ी वेडिंग्स की, अराउंड 30 वेडिंग्स हमने ऑलरेडी कर ली, 33 वेडिंग्स, और अभी बहुत है हमारे पास ऑनलाइन, मतलब वेडिंग्स हैं। तो जो मैं चाहती थी कि हम इसको एक एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन प्रपोज करें, बिकॉज ऐसा एटमोसफेयर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एंटायर बिहार में वेडिंग के पर्पज़ से कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ दूल्हा दुल्हन एक साथ आकर और वो सारा एक ही जगह सेलिब्रेशन कर सके, बिकॉज वो उनकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट दिन होता है जिसको वो एक यादगार की तरह रखना चाहते हैं। सो वी वॉन्ट कि हम उनके लाइफ में एक प्लेस दें जहाँ पे वो लोग ये ना सोचें कि हमको कहीं बाहर जाना है। एक और मिथ है, लाइक जैसे लिकर नहीं है या छोटी जगह है, यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, वही सारे मिथ्स को हमको तोड़ना है। इसलिए अभी जैसे आपने पूछा था कि आपने कैसे सोचा कि पूर्णिया में आप एक 5-स्टार होटल ला सकते हैं, तो जहाँ चीज़ों का स्कोप नहीं होता है ना, वहीं आपको वो चीज़ लाकर और उसको एक सक्सेस बनाना, दैट इज़ अ चैलेंज। एंड ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है, इस एक साल में हमने प्रूव करके भी दिखाया है कि हमने जो प्लान किया था, जो किया वो हमने सक्सेसफुली डिलीवर भी किया है। और इसमें और कुछ सुविधा के तौर पे हम कुछ विलास ला रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया विलास ला रहे हैं, कुछ और रूम्स ऐड करेंगे, क्योंकि जो वेडिंग्स हमारे पास आ रही है, जो इंक्वायरीज आ रही है, उसमें रूम्स की डिमांड्स बहुत हैं। जैसे आपने बोला तो अभी हम भी ये सोच रहे थे कि लोग पता नहीं कैसे लेंगे इसको, तो वी स्टार्टेड विद लेसर नंबर ऑफ रूम्स और हम अब रूम्स ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इतनी इंक्वायरीज आ रही हैं फॉर वेडिंग पर्पसेस, तो हमको रूम ऐड करना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे हमारा जिम है और क्लब है, फैसिलिटीज़ है, स्पा है, जो और नहीं है आपके बिहार में कहीं अच्छा स्पा, लोग सिलीगुड़ी जाते हैं स्पा के लिए। सो वी आर प्रमोटिंग ऑल दोज फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर लोगों को इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है। अभी हमारे पास कुछ गेस्ट आए जो पर्सनली हम लोगों से मिले और उन्होंने ये कहा कि हम बिहार आने के लिए, स्पेशली पूर्णिया आने के लिए, बिकॉज मक्का का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे, मक्का का, मखाना का जो एक्सपोर्ट होता है, बट लोग पूर्णिया सोच के मतलब दो बार सोचते हैं कि जाएंगे कैसे रहेंगे, इसलिए वो लोग बैकआउट कर जाते हैं। बट जैसे वो सर्च करते हैं मेफेयर पूर्णिया, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने पर्सनली मुझे थैंक्स कहा है कि आपने प्रॉपर्टी बनाई है तो इस वजह से हम यहाँ पर आ पाए फॉर ग्रोइंग आवर बिज़नेस। तो ये आपको एक बिज़नेस स्कोप भी दे रहा है आगे, जो लोग नहीं आ रहे थे वो खुद से सामने से आ रहे हैं। एंड यही है हमारा उद्देश्य, यही था कि हम जितने ज़्यादा यहाँ की चीज़ों को प्रमोट कर सके, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इतना अच्छा मक्का हम देते हैं बाहर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर लोगों के लिए, और लोग यहाँ रीच नहीं कर पाते। सो इतनी सारी फैसिलिटीज़, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, मंडी है इतनी अच्छी, उसके बाद भी हम लोग वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि वो सारी फैसिलिटीज़ दें, चाहे अच्छी अच्छी कंपनीज़, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी आने से हिचके नहीं। आज हम लगभग एक साल पूरा कर रहे हैं मेफेयर होटल्स का इन बिहार, जो कि मेफेयर अपने आप में एक ब्रांड है, एक स्वदेशी ब्रांड। हमारे पास स्वदेशी ब्रांड अगर हम बोले ना तो ओबराय और ताज और मेफेयर, तो हम इनको अभी हम एक ही लेवल पे देखते हैं, और बाकी सारे ब्रांड जो हैं भारतवर्ष में वो बाहर से हैं। तो हम मेफेयर को अगर देखते हुए अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ हमारा जो है ऑलमोस्ट टोटल हमारे पास अभी 16 होटल्स हैं, 4 होटल्स और आने वाले हैं। हम लोग बिहार के लिए भी एक और होटल के लिए सोच रहे हैं, जैसा कि ये हमने पिछले वर्ष ही बताया था, ये भारतवर्ष में हमारे सारे होटल्स जो हैं 5-स्टार और 5-स्टार डिलक्स के बीच में हैं। तो 5-स्टार डिलक्स होटल जब चलता है, एक साल चलाने के बाद आवेदन दिया जाता है, उसके बाद उसकी कैटेगराइजेशन होती है, जो कि हम एक साल पूरा कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, सफलतापूर्वक हमने एक साल का पड़ाव पूरा किया। इस दौरान हमने कई छोटे बड़े और कई महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस और शादियाँ की हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए तो जैसे अगस्त में हमारा होटल खुला था, हमने जब ये शुरू किया था तो पंचांग के हिसाब या जिस हिसाब से भी देख लें, कैलेंडर के हिसाब से, हम लोग मुहूर्त के हिसाब से शादियों का डेट बहुत कम था पिछले साल, तो फिर भी हमने जितनी शादियाँ की या कॉन्फ्रेंसेस किए
यूनिसेफ जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी, और सिर्फ भारतवर्ष नहीं विदेश से भी लोग आते हैं यूनिसेफ के। जो अभी 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, हमारे आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट के DM जिसमें शामिल थे, कुछ SP लोग शामिल थे जो कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम कर रही है यूनिसेफ, वो यूनिसेफ का कॉन्फ्रेंस भी हमारे यहाँ हुआ। हमने उसका सारा कारोबार हमने संभाला हमारे कंपनी ने। और शादियों में अगर कहें तो छोटी बड़ी शादियाँ जैसे होती है यहाँ पर जो प्रचलन है, ऑलमोस्ट हमने 33 ऐसे इवेंट का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है छोटे बड़े मिला के। तो ये बहुत कम समय में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के साथ। आप लोगों के माध्यम से ज़्यादा जुड़े हैं, जबकि पर्सनली आज तक मेफेयर ने आपने देखा होगा उनका पर्सनल एडवर्टीजमेंट कहीं नहीं रहता है। जस्ट प्रोडक्ट ही अपने आप में एक ऐसी बड़ी चीज़ है जो लोगों का ध्यान अपने आप में आकर्षित करता है। आप देख रहे हैं हमने पहले लास्ट ईयर जब इसकी ओपनिंग की थी हमने बताया था कि ये बिहार का पहला 5-स्टार रिजॉर्ट है। बिहार में और भी होटल्स हैं 5-स्टार, पर रिजॉर्ट के मामले में पहला है। और लोगों में एक धारणा बैठ गई है, हमने नहीं ये किया जस्ट प्रोडक्ट को देख करके, कि पहला रिजॉर्ट ऐसा है लोगों की पहली पसंद बन गई है जहाँ पे बड़ी से बड़ी शादियाँ डेस्टिनेशन मैरिज लोग इसके लिए सोच रहे हैं, जो कि काफ़ी करीब है नेपाल से, बंगाल से और हमारा पड़ोसी राज्य क्या कहते हैं झारखंड से। तो पटना से भी लोग आ रहे यहाँ पे किए हैं, नेपाल से आके अपनी इन सुविधाओं का लाभ लिया है। और हमारा हमेशा हम अग्रसर हैं कि हम आने वाले वर्षों में और बड़ी से बड़ी शादियाँ करें, और बिहार को एक तोहफा है और इट्स ए प्राइड ऑफ बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना, आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, माँ अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS 31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना, आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, माँ अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS 31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर पूर्णिया के NS 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में, गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा, इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS 31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।